दोस्तों, अगर आपके पास है मोटरोला G84 5G मोबाइल और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाया जाता है, यानी स्क्रीन फिंगरप्रिंट लॉक इस मोबाइल में आप कैसे सेट करोगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए फ्रेंड्स, आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन होने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद सिक्योरिटी प्राइवेसी का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर डिवाइस लॉक का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिंगरप्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, फिंगरप्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपको एक पैटर्न या पिन या पासवर्ड पहले नंबर पे बनाना होगा, तो मैं यहां से पैटर्न सेलेक्ट कर लेता हूं। अब जो भी आपको पैटर्न डालना है वो डाल दीजिए, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करिए, दोबारा से रीएंटर आपको करना है, कंफर्म के ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए, डन के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपने स्क्रीन लॉक पहले से ही मोबाइल में लगा कर रखा होगा तो डायरेक्ट यहां पर पहले ही आ जाओगे आप। उसके बाद सेटअप पे आप क्लिक कर दीजिए। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपके डिस्प्ले पर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है तो डिस्प्ले पर स्कैन कराएंगे, अगर आपके पावर बटन में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया तो पावर बटन में स्कैन कराएंगे। तो हमारे मोबाइल में पावर बटन में है, तो मैं दोस्तों यहां से जल्दी जल्दी से स्कैन करवा लेता हूं, इसी प्रकार से आप भी स्कैन करवा लेना। उसके बाद यहां पर डन का ऑप्शन आएगा, डन के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, बस आपके मोबाइल में सक्सेसफुली दोस्तों फिंगरप्रिंट लॉक लग चुका है।